हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी पोयम है द साम ऑफ लाइफ। साम होता है भजन या गीत, यानी कि जीवन का भजन या गीत। इसके कंपोजर हैं H.W. लॉन्ग फेलो। लाइफ इज रियल, कवि कहता है कि जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, अर्थात ईमानदारी से कुछ करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव माने कब्र होता है, मतलब मृत्यु, और मृत्यु ही इसका उद्देश्य नहीं है, मतलब मृत्यु को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट, दो माने तुम्हारा, डस्ट मतलब धूल, तुम्हारा शरीर, आर्ट मतलब शरीर, मिट्टी से बना हुआ है, टू डस्ट रिटर्न्स, और यह वापस मिट्टी में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, जीवन का लक्ष्य केवल आनंदों और दुखों को भोगना ही नहीं है। इज आवर डेस्टिन एंड और वी, डेस्टिन मतलब भाग्य में, और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, मतलब दुख और सुख हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं। बट टू एक्ट, लेकिन जीवन का अर्थ कार्य करना है, मेहनत करना है। दैट ईच टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाला दिन फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हमारे आज से बेहतर हो और हम दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि जो है इस संसार को लड़ाई का विस्तृत मैदान मानता है और कहता है कि संसार के इस बड़े लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में इन द विवाइश ऑफ लाइफ हमारा स्थाई पड़ाव है। विवाइश ऑफ लाइफ मतलब स्थाई पड़ाव है, अस्थाई पड़ाव है। इसका अर्थ है कि हम संसार में थोड़े ही समय के लिए आए हैं रहने के लिए और फिर यहाँ से चले जाएंगे। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के इस विस्तृत व्यापक लड़ाई के क्षेत्र में, इन द डिवाइस ऑफ लाइफ हमारा जीवन इसमें एक अस्थाई पड़ाव के समान है, अर्थात इस संसार में हम थोड़े समय के लिए रहने आए हैं तथा हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, डम्ब मतलब गूंगे, ड्रिवन मतलब दूसरे द्वारा हाँके जाने वाले, कैटल मतलब पशु, दूसरे द्वारा हाँके जाने वाले गूंगे बहरे पशु मत बनो, मतलब जो दूसरों के अधीन हो उनके समान मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि इस संघर्ष का मुकाबला, इन कठिनाइयों का मुकाबला एक वीर सिपाही के समान करो। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, फिर कवि कहता है, हमें शिक्षा देता है कि आइए हम काम करें, क्रियाशील हो जाएं, उठ जाएं और मेहनत में जुट जाएं, विद हार्ट फॉर एनी फेट, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, अर्थात हमारे भाग्य में कुछ भी हो, लेकिन हमें मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, और यदि हम किसी उद्देश्य का पीछा लगातार करते रहेंगे तो हमें कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। अचीविंग मतलब प्राप्त करना और परस्यूइंग मतलब पीछा करना। लर्न टू लेबर, लेबर मतलब मेहनत करना, मेहनत करना सीखिए। एंड टू वेट, अतः हमें कल की चिंता किए बिना परिश्रम करना सीखना चाहिए और इंतजार करना भी सीखना चाहिए। इंतजार करने का मतलब कि हमारी मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा।